सेक्सुअल का, सेक्सुअल हरासमेंट का भी लग गया है अच्छा 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 भोकल टीवी में, जिसे अन्य इस तरह के धारा का लगा हुआ है, और 7-8 धारा, 7 धारा लगभग लगा है, जिसे STSC हो गया, देशद्रोह हो गया, और ये सेक्सुअल का, सेक्सुअल हरासमेंट का भी लग गया है अच्छा 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 भोकल टीवी में। भोकल टीवी का जब 29 तारीख को उसका FIR हुआ था, और जब वो जेल चल गए थे, तो हम वीडियो बनाए हैं उसका, ऐसा बात नहीं है। चैनल का भी सब्सक्राइब कीजिए, एक दूसरे के पास शेयर कीजिए। अरे आपके पास अंगूठा है, आपको पैसा नहीं मांग रहे हैं, ठीक है। और अपना मुद्दा, अपना माय माटी के लिए अगर आप नहीं कीजिएगा, तो जम्मू कश्मीर वाला यहाँ सब्सक्राइब इसका नहीं करने आएगा। सबसे पहले जोहार, आप अभी हैं कहाँ? सोशल साइट में नहीं है, कोई आंदोलन में नहीं है, ना जयराम महतो के साथ में है, ना देवेंद्र नाथ साथ में है, आप ये यादव जी है, मनोज यादव, उनके साथ में नहीं, अभी हैं कहाँ आप? सोशल साइट से इतना दूरी क्यों, कहाँ है बताइए आप? देखिए, सोशल साइट में दूरी नहीं है फिलहाल, अभी बनाने का मकसद यह है कि फिलहाल एग्जाम है दादा, और बहुत ही काफी हम जब लड़ाई किए हैं, 7-4 से लेकर 6 महीना हम आंदोलन किए हैं, और FIR भी किए हैं, तो कहीं ना कहीं एग्जाम की वजह से, तो कहीं ना कहीं मेरा एग्जाम सामने है, और मतलब उन लोग से छोड़े नहीं, उन लोग का दिल में बसे हुए, मतलब मेरा दिल में है, उन लोग सब नजर में है, कवर है, और देखते भी हैं, यूट्यूब का भी खोलते हैं, सोशल लाइन में तो देखने का मन करता है, देखते भी हैं, लेकिन उन लोग दिन में है, और कहीं ना कहीं कहीं नहीं गए हैं, हम फिर उतरेंगे, लेकिन फिलहाल एग्जाम देने के बाद आएंगे दादा। चलिए, हम नजर में है, दिल में है, सब लगे हुए जी हैं, जी मानते बिल्कुल हैं, है ना? इससे इसके हाँ इसी महीना 27 तारीख को आपके चतरा में कार्यक्रम है, क्या जोगेश भारती वहां हम देखेंगे जोगेश भारती को? देखिए, 27 तारीख को चतरा का जितने भी हैं भैया लोग हैं या फ्रेंड लोग जो भी है, उन लोग बुला रहा है हमको कि जोगेश दा आपको कहीं नहीं देख रहे हैं, तो आपको चतरा आना पड़ेगा, क्योंकि इसलिए आना पड़ेगा कि 7-40 से लेकर काफी चतरा जिला जब कोई नहीं जाग रहा था, तो आप ही फोन करके और हम लोग को बोले, तब गांव टोला जमा करके और मशाल जुलूस निकाले थे, और आप ही की वजह से इतना लोग जागा है, तो कम से कम आज जो है कम से कम आपको आना पड़ेगा, और स्टेज में 2-4 मिनट जो भी होता है आप निश्चिंत मतलब आके बोलिए, हम आप लोग को, हम आपको देखना चाहते हैं, बहुत दिन से गायब है, आपको आना ही पड़ेगा कोई भी हालत में, तो जाएंगे चलिए देखेंगे। चलिए, यही समझिए, छात्र नेता योगेश भारती भी 27 तारीख के कार्यक्रम में आने वाले हैं, और इनको भाषण तो हम लोग सुनेंगे। इसके बाद एक अलग मैटर है दादा, ये कि आप भोकाल टीवी के नाम से आप जानते होंगे, बिल्कुल भोकाल बिल्कुल, टीवी अच्छा को, तरीका है से ना, वहां पर ही आपका एक राजू नायक और एक क्या नाम है, समीर, समीर कुछ ऐसा था, है ना, अच्छा अच्छा समीर झारखंडी, है ना, हाँ, जो भोकाल समर सिंह, टीवी, समर सिंह, समर सिंह, है ना, भोकाल टीवी के संस्थापक थे। इन लोगों के द्वारा काफी आंदोलन को धार दिया गया, और इसके विषय में आज तक कोई बोल नहीं रहा, आप भी नहीं बोल रहे, आखिर काहे नहीं बोल रहे हैं भाई? देखिए, जब भी जब बोले ना भोकाल टीवी का, जब 29 तारीख को उसका FIR हुआ था, और जब वो जेल चल गए थे, तो हम वीडियो बनाए हैं उसका, ऐसा बात नहीं है, अच्छा और वीडियो बनाए हैं कि क्यों उसको गिरफ्तार किया गया, नहीं है वीडियो खंगाले उसका, तो अच्छा कहीं ना कहीं थोड़ा किसी का पर्सनली है, विधायक मंत्री अच्छा लोग का अच्छा पर्सनली, इसलिए सरकार एक्शन लिया, और कोई भी जायज से बात है कि पर्सनली अगर कोई लेता है तो कोई भी कानून एक्शन लेगा ही लेगा, क्योंकि किसी के बारे में पर्सनली बोल नहीं सकते, सरकार है तो सरकार के सामने लेके बोलिए, जो विकास नहीं हो रही चीज, लेकिन खैर वो कर जो चीज है, लेकिन हम उसके प्रति वीडियो बनाए हैं, लेकिन हाँ छानबीन ऐसा होना चाहिए कि क्या गलती हुआ, नहीं गलती है अच्छा उसके ये साथ। आपको जानकारी है दादा कि उनको कौन सा धारा इन लोगों के प्रति लगा, इस किस तरह की जानकारी है कुछ देखिए, का? उसका जो है 7-8 धारा, 7 धारा लगभग लगा है, जैसे STSC हो गया, देशद्रोह हो गया, और ये सेक्सुअल का, सेक्सुअल हरासमेंट का भी लग गया अच्छा है अच्छा अच्छा भोकल टीवी में, जैसे अन्य इस तरह के धारा का लगा हुआ है, और अभी देखिए जो है निकलने का संभावना है, जल्द ही आप निकलेंगे। देख सकते हैं कि बताइए, आपका STSC का धारा लग गया, NSA जो देशद्रोह का धारा है वो भी लग गया, सेक्सुअल का जो धारा होता है उस भी उसको भी लगाया गया, इतना बड़ा बड़ा धारा लगाया गया है। अब बताइए, इस तरह से जो भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, मानते हैं अगर थोड़ा बहुत त्रुटि होगा तो उनको माफ कर देना चाहिए था, ना कि इतना बड़ा सजा नहीं देना था, है ना, उनको बुला करके बोलते भाई जो भी था इस तरह के बोल करके, और उसको समझा बुझा करके उसको मैनेज कर लिया जाता था, काहे कि वो कहीं के नहीं थे, हम लोग कहीं झारखंड के स्थानीय युवा थे, अगर मिस्टेक हुआ, गलती हुआ तो उन लोगों ने क्षमा मांगता, हम लोग से पूरे जनता से क्षमा मांगता, उसके बाद उनको माफ कर देते। तो अच्छा दादा, ये भी है कि आप जैसे बोल रहे हैं कि हम वीडियो बना करके बोले, है ना, लोगों के प्रति आए, लाइव आकर के हम बताएं कि भाई इस तरह के उन लोगों के साथ अच्छा हुआ, इस तरह का दिक्कत हुआ है ना, तो इसी तरह से और भी जैसे आंदोलनकारी रहे, जैसे आपका देवेंद्र नाथ महतो है, चाहे आपका मनोज मनोज यादव है,
जयराम दा है ना, इस तरह से इन लोगों के मुख से अभी तक इनके बारे में कुछ उस तरह का बात नहीं आया है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए दादा, फिलहाल उन लोग का हो सकता है कि नहीं जानकारी होगा, ये भी हो सकता है क्योंकि उन लोग को जानकारी नहीं होगा। हमको जानकारी मिला क्योंकि अशोक जो राजू नायक बोल रहे थे ये मेरे पास आया था, और काफी मेरे पास पुलिस प्रशासन आया था और डीएसपी साहब आए थे मेरा रूम, और थाना प्रभारी वगैरह जो आए थे सब सारे काफी आए थे बहुत लोग, तो हमको जानकारी था, मतलब जानकारी था नहीं मिला था, मिल गया वर्तमान में कि इन लोग आए तो कहीं ना कहीं इन लोग गिरफ्तारी निश्चित होगा, इसलिए हमको जानकारी इन्हीं लोग के माध्यम से मिला। और नेक्स्ट पेपर में पढ़े, पेपर में जो होता है यूट्यूब में भी देखें कि गिरफ्तारी समर सिंह हो गया भोकाल टीवी का मालिक, और ये राजू नायक भी मतलब जाके दे दिए, सरेंडर कर दिए। अच्छा। तो कहीं ना कहीं हमको सुनने में आया तो तुरंत हम वीडियो बनाए, हो सकता है देवेंद्र नाथ महतो, हो सकता है कि क्रांतिकारी जो जो जयराम महतो जी है या मनोज यादव छात्र नेता है, हो सकता है कि इन लोग को नई जानकारी होगा, जानकारी मिलेगा तो बिल्कुल इन लोग एक्शन लेंगे, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि माय माटी के लिए वो भी लड़ रहा था, इन लोग भी लड़ रहे हैं तो वो भी लड़ते थे, हम लोग भी लड़ रहे हैं, तो कहने कि उन लोग का भी हो सकता है कि जानकारी मिलेगा तो जरूर सपोर्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, ये थे जोगेश भारती छात्र नेता है ना। जाते जाते आप क्या बोलना चाहेंगे दादा? सभी को जोहार निहर फिर से कहते हैं दादा लोग, क्योंकि हम लोग माय माटी से जुड़े हुए हैं, इसलिए तमाम जितने भी हैं सपोर्ट कीजिए आप लोग, अरे इस चैनल का भी सब्सक्राइब कीजिए, एक दूसरे के पास शेयर कीजिए, अरे आपके पास अंगूठा है, आपको पैसा नहीं मांग रहे हैं, ठीक है, और अपना मुद्दा अपना माय माटी के लिए अगर आप नहीं कीजिएगा तो जम्मू कश्मीर वाला यहाँ सब्सक्राइब इसका नहीं करने आएगा, कीजिएगा तो आप ही लोग कीजिएगा, अपना यहाँ झारखंडी भाई लोग ही सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़िए, और आप लोग भी आगे बढ़िए, सपोर्ट हम लोग भी करेंगे, लेकिन आपको भी कहीं कहीं सपोर्ट करना ही पड़ेगा, अगर आप नहीं रहिएगा तो हम लोग फिर कहाँ, हम नहीं रहेंगे तो फिर आप नहीं, इसी तरह होते रहता है झारखंड में। देखिए टूटने की वजह से, एकजुट नहीं होने की वजह से आज झारखंड बिखर रहा है, लूटा जा रहा है झारखंड को, इसलिए इस लूटने से बचाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि लोगों तक जब भी दादा वीडियो बनाएंगे तो लोगों तक पहुंचेगा, माय माटी के लिए ही वीडियो बनाते हैं, इसलिए तमाम जितने भी होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो दिल से बोल रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और ये वीडियो देखने के लिए सभी को जोहार, कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो में।